मेरे चैनल गुजराती किचन्स को और मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गुजराती किचन्स में। आज की रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी फ्रूट सलाद की रेसिपी, इसको आप फ्रूट कस्टर्ड भी बोल सकते हैं। तो चलिए ये रेसिपी को शुरू करते हैं। उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए ये रेसिपी को शुरू करते हैं। तो फ्रूट सलाद बनाने के लिए मैंने लिया है 1 लीटर दूध। अभी मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। कटोरी में डालूँगी मैं, 1 कटोरी ले लीजिए, 1 चम्मच जितना कस्टर्ड पाउडर आपको कहीं भी मार्केट में मिल जाएगा। तो अभी मैं इसके अंदर डालूँगी 2 बड़े चम्मच दूध। बाउल में डाल दीजिए, अलग से ठंडा दूध डालना है, हमें ध्यान रखना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। ध्यान रखें कि जो कस्टर्ड पाउडर है उसकी गुठली ना रहे, हमें अच्छे से उसको मिक्स करना है कस्टर्ड पाउडर और दूध को। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से घुल गया है कस्टर्ड पाउडर, इसको मैं अभी साइड में रखूँगी। दूध को मैंने गैस के ऊपर बॉयल करने के लिए रख दिया है और ध्यान रखें कि दूध को हिलाते रहिए, नहीं तो नीचे चिपक जाएगा। गैस का फ्लेम मैंने स्लो ही रखा है। तो आप देख सकते हैं मेरा दूध अच्छे से उबलना चालू हो गया है। तब मैं ऐड करूँगी चीनी, अपने हिसाब से डाल सकते हैं कम ज़्यादा। और चीनी को भी अच्छे से घुलने तक हम उसको बॉईल करेंगे दूध को, और एक उबाल आने तक हम दूध को बॉईल करेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि मेरा दूध अच्छे से बॉईल हो गया है। अभी मैं गैस को बंद करूँगी। एक बार कस्टर्ड पाउडर को हिला दीजिए, आप नीचे बैठ जाता है तो अच्छे से उसको मिक्स कीजिए, फिर दूध में डालें। ध्यान रखें कि जब आप कस्टर्ड पाउडर डालें तब गैस को बंद करने के बाद ही डालें और अच्छे से हिला हिला के मिक्स कीजिए, नहीं तो गुठलियाँ भी हो सकती है। तो मैंने ये कस्टर्ड पाउडर का जो बैटर है उसको डाल के अभी मैं गैस को बंद करने के बाद 5 से 7 मिनट तक उसको ऐसे ही हिलाते रहूँगी ताकि जो कस्टर्ड पाउडर है नीचे चिपके ना। ऐसे ही हिला हिला के आप इसको हिलाते रहिए अच्छे से। उसके बाद मैं उसको ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख दूँगी। तो इसको मैं अभी ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा जो कस्टर्ड पाउडर है फ्रूट सलाद वो मैंने ठंडा कर दिया है दूध। अब ध्यान रखें कि जब भी आपको फ्रूट सलाद खाना है तब भी आप फ्रूट ऐड कीजिए। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन कौन से फ्रूट लिए हैं। मैंने लिया है एप्पल, बनाना, चीकू और पोमोग्रेनेट अनार। मैंने अपने हिसाब से फ्रूट लिए हैं। अगर आपको कोई भी फ्रूट ना पसंद हो तो कम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये सारे फ्रूट को मिल्क में अंदर डाल दूँगी। फ्रेंड्स, पहले भी मैंने बताया है आप जब भी फ्रूट सलाद खाना हो तब भी आप फ्रूट को ऐड कीजिए और ये दूध को ज़्यादा दिन ना रखें, 1 या 2 दिन में ही रखिए। तो मैंने सारे फ्रूट्स को अच्छे से इसके अंदर डाल दिया है, एक बार मैं मिक्स कर लूँगी। तो ये मेरा तैयार है। अभी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी भिगोए हुए काजू बादाम। इससे टेस्ट फ्रूट सलाद का बहुत ही अच्छा आता है। इसको मैंने काट लिया है, बादाम के छिलके निकाल दिए हैं। इसको मैं मिक्स करूँगी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते तो आप इस तरह के बना के भी खिला सकते हैं। तो ये मेरा फ्रूट सलाद कस्टर्ड फ्रूट रेडी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो मैं मिलती हूँ आपको ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।